क्या हुआ भाई, इतना खुश क्यों है? बेटा हुआ क्या? नहीं भाई, बेटी हुई है। शिवानी और ऋषभ को क्यों करनी पड़ी इतनी जल्दी शादी, और क्यों छिपाते हैं दोनों अपनी शादी का राज? वहीं हर कोई कंफ्यूज है ऋषभ को लेकर, आखिर ऋषभ है कौन, लड़की या लड़का? वहीं अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऋषभ के ना ही बियर्ड आती है और इनकी आवाज बिल्कुल लड़कियों की तरह है। मैंने इतना प्यार करा कि शिवानी रोने लगी। तो जान है। वहीं फैंस इनकी जोड़ी को तो करते हैं बहुत ज्यादा पसंद, लेकिन ऋषभ को लेकर हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ऋषभ लड़की है या लड़का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और आज आपको बताएंगे ऋषभ की लाइफ के सारे सीक्रेट्स और इनके बारे में सब कुछ। साथ ही आपको बताएंगे दोनों अपनी शादी का राज क्यों छिपाते हैं पर हर साल शादी की सालगिरह मनाते हैं। वैसे अगर आप भी करते हैं इनकी जोड़ी को पसंद और जानना चाहते हैं इनके बारे में सब कुछ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मोबाइल लेने और शादी करने के बाद एक ही अफसोस होता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। दो लड़कियों की शादी सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन सरकार ने इसकी परमिशन दे दी है कि दो लड़कियां और दो लड़के आपस में शादी कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ऋषभ की। ऋषभ आखिर है कौन? 7 जनवरी कोटा राजस्थान में एक बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चे का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर छोटा नवाब के नाम से फेमस है। ऋषभ की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी मम्मी के अलावा इनकी एक सिस्टर है। ऋषभ का जब जन्म हुआ था तो ये लड़कियों की तरह थे, लेकिन इन्हें बचपन से ही लड़कों की तरह रहना पसंद था। और जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो ऋषभ ने खुद को पूरी तरीके से लड़कों की तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। वहीं बात करें ऋषभ को वियर्ड क्यों नहीं आती और इनकी आवाज़ लड़कियों की तरह क्यों है, तो ऋषभ को लड़की या लड़का ना बोलकर टॉमबॉय बोल सकते हैं। वहीं जब शिवानी को ऋषभ का सच पता चला तो शिवानी ने क्या कुछ नहीं किया, आगे चल के मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो अब बात कर लेते हैं ऋषभ की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। बचपन से ही ऋषभ को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और स्कूल टाइम से ही इन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था, और टिकटॉक से ही फैंस इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। शादी तो सबकी होती है, मगर जिससे प्यार करते हो उससे शादी हो जाए ना तो जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाती है। इनकी लव स्टोरी जानने से पहले बात कर लेते हैं शिवानी की। 22 मार्च 2001 को कोटा राजस्थान के महावीर नगर में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर क्यूट शिवानी के नाम से फेमस है। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा 2 भाई और 2 बहनें हैं। तो अब जान लेते हैं शिवानी और ऋषभ की प्यारी सी लव स्टोरी और इनकी शादी करने की असली वजह क्या थी। गूगल, बीवी को काबू करने का तरीका बताना। औकात से बाहर कुछ भी सर्च ना करे। शिवानी और ऋषभ दोनों ही कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दोनों का घर पास ही पास है। दोनों ने ही एक ही स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी और टिकटॉक पर भी दोनों एक साथ ही वीडियोस बनाया करते थे। फैंस इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इनकी फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए बढ़ने लगीं, और एक साथ वीडियोस बनाते बनाते शिवानी को ऋषभ से प्यार हो गया। और एक दिन शिवानी ने जब ऋषभ को प्रपोज किया तो उन्होंने मना कर दिया। तुम मुझे बहुत पसंद हो, I love you। क्योंकि ऋषभ बहुत ज़्यादा डरते थे कि शिवानी को उनका अगर सच पता चला तो वो उनसे अपनी दोस्ती भी तोड़ देंगी और उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। और कुछ टाइम बाद ऋषभ ने डिसाइड कर लिया कि वो शिवानी को सब कुछ सच बता देंगे, और एक दिन ऋषभ ने शिवानी को पूरा सच बता दिया कि वो एक टॉमबॉय हैं। और जब ऋषभ ने सब कुछ बता दिया तो इससे शिवानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, और वो ऋषभ को पहले की तरह ही प्यार करती रही। और ये जानकर ऋषभ की खुशी का ठिकाना नहीं था, और इसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। पता नहीं कौन से अच्छे काम किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो मुझे तुम मिल गई। पर जब शिवानी की फैमिली को ऋषभ का सच पता चला तो उनकी फैमिली ने कहा कि आज के बाद वो ऋषभ से नहीं मिलेंगी। और इसके बाद शिवानी ने अपनी फैमिली को बहुत समझाया, पर उनकी फैमिली नहीं मानी। और फिर होना क्या था, शिवानी ने ऋषभ की खातिर अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया और ऋषभ के साथ जाकर रहने लगी।
वहीं क्यूट शिवानी ने ऋषभ के लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी और वो हिंदू से मुस्लिम बन गई। वहीं आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं और ब्रेकअप और डिवोर्स जैसी खबरें आती ही रहती हैं। वहीं शिवानी ने अपने प्यार की खातिर वो सब कुछ किया और ऋषभ और शिवानी दोनों एक ही साथ रहते हैं। दोनों की शादी हो चुकी है पर हर किसी से ही अपनी शादी का राज छुपाते हुए नजर आते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, प्यार की खातिर शिवानी ने अपना धर्म परिवर्तन करके सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे आपको शिवानी और ऋषभ की जोड़ी कैसी लगती है और आप इन्हें कितना पसंद करते हैं, अपने ओपिनियन ज़रूर देना। मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइज। शादी तो सबकी होती है, मगर जिससे प्यार करते हो उससे शादी हो जाए ना, तो जिंदगी और भी ज्यादा हसीन हो जाती है।